in this video, I will explain you about NPO, that is not for profit organization. और ये chapter बहुत सारे बच्चों को बहुत confusing लगता है, but I can guarantee you, मेरी videos देखो, end तक देखो, this chapter would become the most interesting chapters of class 12th. Okay, let's get started now. Not for profit organization. A, it's an organization. ये तो बात clear हो गई. But ये not for profit का क्या मतलब है? Not for profit means कि एक ऐसी organization जो establish हुई है not to earn profit. लोगों की help करने के लिए, जो भी country के लोग हैं, उनकी help करने के लिए ये organizations बनी है. और इसका motive कहीं से भी profit का लेना देना नहीं है. ये organization या तो एक school हो सकता है, hospitals हो सकते हैं, कोई मंदिर गुरुद्वारा religious place हो सकती है, या फिर कोई sports club हो सकता है. And मैं फिर से बोलूँगी, ये organization establish नहीं होती profit earn करने के लिए. ये organization establish होती है just to help और just for the members of the country. जो भी लोग हैं उनके लिए, basically आप कह सकते हैं कि charitable organization, जो कुछ charity पे, कुछ donations पे जो organizations establish की गई हो, उनको कहा जाता है not for profit organization. और इसमें जो fund मिलता है, हमें जो पैसा मिलता है, अब normal companies के cases में क्या होता है, हम debtors लिखते हैं, creditors लिखते हैं, but यहाँ पे कोई इस organization में ना तो कोई debtor होता है, ना कोई creditor नाम की कोई चीज होती है. हम यहाँ पे लिखते हैं जो भी हमें फंड मिला है उसको लिखते हैं हम डोनेशंस, या तो हम लिखेंगे मेंबरशिप फी. डोनेशन मतलब है कि हम किसी बंदे ने डोनेट करा है, मेंबरशिप फी मिलती है. या लेगेसीज होती हैं, लेगेसीज मतलब जिसे मरने वाले बंदे ने विल में लिख के दिया हो कि भैया मैं इतना पैसा डोनेट करूंगा इस वाली ऑर्गेनाइजेशन पे, जो भी एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो लेगेसीज कहते हैं. ये भी अमाउंट होता है मिलने का. सब्सक्रिप्शन होती है. अब ये सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ली होगी, सब्सक्राइब करके बैठे नेटफ्लिक्स, राइट? तो इसमें क्या होता है, तुम कुछ अमाउंट हर महीने देते हो. अब उसकी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तुम्हें कुछ अमाउंट हर मंथ देना पड़ता है. तो सब्सक्रिप्शन भी सेम होती है कि तुम्हें कुछ अमाउंट या तो मंथली या सिक्स मंथली या क्वार्टरली तुम्हें कुछ अमाउंट देना पड़े ताकि तुम्हें उनकी मेंबरशिप जो है वो बनी रहे. लेट्स से कोई स्पोर्ट्स क्लब खुला हुआ है एनपीओ के नाम पे, तो मेरे को कोई एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट दूंगी तो मेरी वो मेंबरशिप बनी रहेगी साल भर के लिए. वो मंथली, क्वार्टरली या ईयरली भी हो सकती है. नेक्स्ट वी हैव ग्रांट्स, जो गवर्नमेंट को भी ग्रांट दे रही है एनपीओ के नाम पे. तो ये सब चीजें इस ऑर्गेनाइजेशन पे, ये सब टर्म्स यूज होंगी आने वाले टाइम पे. तो बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है. उसको पैसा किस तरीके से मिलता है? कुछ ऐसा नहीं होता कि उसको पैसा मिला, कुछ मैन्युफैक्चर करा और बेच दिया. यहाँ पे बेसिकली डोनेशंस मिली जाती है, ग्रांट्स मिले जाते हैं, सब्सक्रिप्शंस मिली जाती है, लेगेसीज मिली जाती है. ओके, मैंने अभी बताया कि एनपीओ में ये सारी टर्म्स यूज करी जाएंगी जब हमें पैसा मिलता है. बट अगर मैं इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करूं, तो नॉर्मल कंपनीज में वी एक्चुअली मेक ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, देन फाइनली बैलेंस शीट. बट इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव ही नहीं है प्रॉफिट अर्न करना. तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ना तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा. व्हाई? बिकॉज इसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस या नेट लॉस निकालते हैं. बट यहाँ पे अर्निंग इसका मोटिव है ही नहीं प्रॉफिट. तो क्या होगा यहाँ पे? हम यहाँ पे सबसे पहली चीज निकालते हैं या प्रिपेयर करने हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फाइनली बनती है बैलेंस शीट. मैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, या फिर बैलेंस शीट बनाते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉमर्स माइंडेड. थैंक यू.